पूरा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और अम्बाला के सनातन धर्म कॉलेज के मैदान में भी इसका आयोजन किया गया। अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल, उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ सहित जिला के आला अधिकारियों ने भी यहां शिरकत की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, जिला प्रधान जगमोहन लाल सहित सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। असीम गोयल ने कहा कि आज के दिन सारा राष्ट्र योग दिवस मना रहा है। आज भारत के नाते विश्व के देशों ने भी योग का लोहा माना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 184 देशों को योग के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें 172 देशों ने योग को अपनाने का काम किया। आज 21 जून को हम सब यहां के साथ 172 देश भी योग दिवस मनाते हैं। आज मुस्लिम देशों के साथ सभी ने मान लिया कि योग का प्रेरक भारतवर्ष है। योग की विधा के बारे में हमने बहुत सुना, लेकिन भारत के नाते इस योग की विधा का विश्व में अगर कोई लोहा माना है तो जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 184 देशों को जवाब में प्रधानमंत्री जी ने इस योग दिवस के लिए प्रेरित किया, निवेदन किया, तो अपने आप में अभूतपूर्व तरीके से 172 देशों ने इस योग को अपनाने का काम किया। आज 21 जून को हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं आए, ना केवल भारतवर्ष के अंदर अपितु 172 देशों के अंदर इस प्रकार का योगा डे आज मनाया जा रहा है। ये हमारे भारत के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। साथियों, मानते आए हैं क्योंकि सारी दुनिया ने मान लिया कि शरीर को स्वस्थ रखने की योग की विधा का अगर कोई गुरु या जनक है तो वो भारत है, क्योंकि 172 देशों में और जिसके अंदर मुस्लिम देश भी शामिल है। तो खाली यह नहीं है कि केवल हमारी विचारधारा के देशों ने इसको मान्य किया। साथियों, योग किस चीज का योग? योग तन और मन का योग है। हमारे तन को हमारे मन से और हमारी अंतरात्मा से मिलाने के लिए इस विधा को हम योग कहते हैं।